हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इजी और बस झटपट से 2 मिनट में बनने वाला सैंडविच रेसिपी लेके आई हूँ, और इसे बिगनर भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये है मलाई सैंडविच रेसिपी, और ये बहुत इजी है, बहुत ही ईजी। आप देखिए आगे वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश मलाई ले लिया है, बिल्कुल मोटी सी मलाई, देख रहे हो कितना कितना इसका थिकनेस, आप देखो कितना मोटा है ये। और इसमें मैंने शुगर डाल दिया, शुगर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। आप इसमें गुड़ का भूरा जो होता है ना, वो भी जैगरी पाउडर, आप वो भी डाल सकते हो। और इसे बिल्कुल अच्छे से फेंट लेना है, इतना अच्छा से फेंटना है कि बिल्कुल क्रीमी टाइप हो जाइए। और ये बिल्कुल दूध का जो मलाई था ना, जैसे फ्रिज में रखने के बाद मोटा हो जाता है, वही वाला है। और आपको बाबू का मेरा आवाज़ आ रहा होगा, मैं भाई से ओवर कर रही हूँ, तो बाबू भी यहीं पे है। तो इसे आप किसी भी ब्रेड के साथ बना सकते हो, ब्राउन ब्रेड हो या वाइट ब्रेड हो। तो मैं तो फ़िलहाल वाइट ब्रेड के साथ बना रही हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ था ना, तो मैंने सोचा चलो यही बना देते हैं। वैसे तो बचता था तो ब्रेड पकौड़ा तो बनाती थी, बट अब इतना गर्मी है कि नहीं बना सकते। तो इसे कोई भी ट्राई कर सकता है, जिसको खाना नहीं भी बनाने आता है वो भी बना लेगा, बहुत इजी है। और मैं तो बिना इसे, वैसे मैं एज इट इज़ ऐसे खा जाती हूँ ब्रेड में लगा के। तो अभी हम इसको रोस्ट करेंगे हल्का सा, और ये अच्छे से बिल्कुल स्प्रेड कर देना है इसमें, आपको जितना मर्ज़ी मलाई, वैसे ज़्यादा मलाई लगाओगे तो ही मज़ा आने वाला है। और यार कभी कभी तो चीटिंग बनता है ना, मतलब हमेशा तो हम लोग ऐसे फैटी नहीं खाते क्रीम वगैरह, बट कभी कभी तो चलता है वीक में। तो और वैसे भी मैं मलाई से घी बनाती हूँ, तो क्योंकि हस्बैंड खाते नहीं उतना, और पनीर वगैरह बनाती हूँ तब यूज़ होता है। हाँ, बाबू थोड़ा मोड़ा कभी कभी खा लेती है, बट कभी कभी ऐसे अगर बना दो तो सारे खा लेते हैं। बाबू भी खाई थी, आधा खाई थी बट खाई थी। तो बस इसको ऐसे ही करके और इसको अच्छे से टोस्ट रोस्ट कर लेना है। तो ये मैं फ्राई पैन में बटर डाल के, और इसे आप बिना बटर का भी कर सकते हो, वो भी पता ही नहीं चलता कि आप कुछ भी नहीं लगाए हो, जैसे घी तेल वगैरह नहीं डाले हो, वो ऐसे क्रंची बन जाता है। तो अभी ये जो मलाई इसका दिख रहा है ना, वो बिल्कुल पिघल जाएगा। अभी दिखाती हूँ वो सेक के मैं इसको। तो मैंने यहाँ पे फ्राई पैन बिठा दिया है, और इसमें मैं बटर डालूँगी, अमूल वाला बटर थोड़ा सा। आप चाहो तो घी में भी बना सकते हो या रिफाइंड में भी बना सकते हो, बट जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या आप चाहो तो ना भी डाल सकते हो अगर आप सूखा वैसे खाना चाहते हो। तो इसे मैं बस हल्का सा डालूँगी, और ताकि थोड़ा सा टेस्टी लगे। अब जब चीटिंग कर ही रहे हैं तो अच्छे से चीटिंग किया जाए ना, तो बस वही डाल के हल्का सा। और कभी भी देखो, आप कभी भी ऐसा होता है ना कि मीठा खाने का कुछ मन कर रहा हो, और कई बार ऐसा होता है बिस्किट खाने का मन ना हो, और कोई ज़रूरी तो नहीं कि एनी टाइम घर में मीठा पड़ा ही हो, तो आप ऐसे खा सकते हो। अगर ये नहीं रहता है ब्रेड, तो मैं रोटी में मलाई लगा के और ऐसे सेक लेती हूँ, और उसका छोटा छोटा टुकड़ा करके, और बहुत टेस्टी लगता है, वो भी आप खा सकते हो। तो खाने का अपना अपना तरीका है, तो मैं बस इसलिए ये दिखा रही थी। वैसे तो इतना कोई इंटरेस्टिंग सा रेसिपी नहीं, लेकिन हाँ है तो इंटरेस्टिंग, बट इजी है और कोई भी बना लेगा बहुत आसान तरीके से। ट्विस्ट एंड टर्न ऐसा कुछ भी नहीं है, और कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं है, तो आप इजी बना के खा सकते हो। और ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया, और ये देखिए हल्का हल्का ब्राउन कलर आ गया ना, तो जहाँ पे बटर था वहाँ पे ऐसे सिक गया है। फिर मैं इसको अच्छे से प्लेट प्लेट के क्रंची कर लूँगी, बहुत ही अच्छे से, आपको बिल्कुल करारा होने तक करना है। और आप चाहो तो गैस का फ्लेम हाई भी कर सकते हो, ताकि जल्दी से वो हो जाए, और इसको जितना पिघलना था वो पिघल चुका है। तो ये छोटी सी रेसिपी थी, और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये, बहुत ज़्यादा, मतलब उसे ये स्वीट्स में गिनते हैं, अपने वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि मुझे ये, मतलब इसे मैं एक तरीके से और बनाती हूँ मिल्क में डीप करके, तो वो भी मैं किसी और दिन शेयर करूँगी। तो बस ये बन गया था, और ये देखिए बहुत ही क्रंची बना था। और मतलब गरम खाओ इसे, ठंडा बिल्कुल नहीं होने देना, एज इट इज़ बस निकालो और सर्व करो और बस खाओ। तो ये अभी मैं इसका आवाज़ सुनाऊँगी आपको, और ये अच्छे से इसको कर लेना। और ये इवनिंग स्नैक्स में इसके साथ हम लोग चाय लिए थे, वैसे नमकीन के साथ चाय लिया जाता है, बट हम लोग इसकी ठीक है।
देखा आपने कितनी अच्छे से ये क्रंची हुआ है और बहुत ही मज़ा आ रहा था, करारा क्रिस्पी क्रिस्पी सा खाने में, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस ये छोटू सा था मेरा वीडियो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए ब्लॉग में या कोई नए रेसिपी के साथ।